बचाव के लिए जिला प्रशासन लगातार संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहा है। ऐसे में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर और जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने सिटी वन संवाददाता से खास बातचीत करते हुए बताया कि वायरस से बचने के लिए जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में आम लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए, साथ ही दैनिक उपयोग में आने वाली हर चीज की ठीक तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए। जो COVID-19 जिसकी बात आप कर रहे हैं, तो उसका जो भी संक्रमण है उसके प्रतिरोध के लिए जितने भी कदम उठाए जाने हैं वो उठाए जा रहे हैं। शासन की तरफ से एपिडेमिक एक्ट 1897 में नोटिफिकेशन निकल गया है और उसमें जो आपका सेक्शन 12 है उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एम्पावर्ड है सारी तरह की कार्रवाई करने के लिए। तो इसमें दो तीन चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके माध्यम से मैं समस्त जनमानस को कहना चाहूँगा। नंबर वन, ये जो वायरस है और इसका जो संक्रमण है वो जो आपकी स्नीजिंग है, खांसी है, इसमें जो ड्रॉप्स निकलती हैं जो सलीवा में होता है उसकी वजह से बताया गया है कि उससे ये संक्रमण होता है। इसलिए भीड़ वाले स्थानों से बचना बहुत बहुत ज़रूरी है। यदि हम दो लोगों के बीच की जो दूरी है वो कम से कम 1.5-2 मीटर रख के बात करेंगे तो वो संक्रमण का प्रभाव होने की संभावना बहुत कम रहती है। तीसरी जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है मॉपिंग। मॉपिंग बेसिकली एक डिसइंफेक्टेंट से हमें उन सभी चीज़ों पर जिस पर रोज़मर्रा के जीवन में हमारा हाथ पड़ता है, वो चाहे तो गेट खोलने की सिटकनी हो, आपकी गाड़ी का जहाँ पर आप हाथ रखते हैं वो हो, आपके कुर्सी टेबल हो, आपका मोबाइल हो, रिमोट हो, आपका जितनी चीज़ें हैं उनको क्लीन किया जाना है और ये हर 6-8 घंटे पर किया जाना है। ये एक ऐसा हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में अभी तक हम नहीं कर रहे थे तो इसलिए हम आदतन ये नहीं करते हैं, लेकिन इसको किया जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड है, भीड़भाड़ के इलाकों से बचना है और हमें बहुत आवश्यक होने पर ही वहाँ पर जाना है। नंबर दो, जो भी हम वार्ता कर रहे हैं, जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें हम दूरी थोड़ा बनाए रखें। तीसरा, जो भी जहाँ पर भी हमारा हाथ पड़ता है उसमें हम जो है उसको सैनिटाइज करें, डिसइंफेक्टेंट से करें, ऐसे लिक्विड से करें जिसमें मिनिमम 60-70% अल्कोहल का कंटेंट हो, उसको जरूर देख लें। बाजार में कई चीज़ें बिक रही होंगी उसमें यदि 60-70% अल्कोहल नहीं है तो वो लाभप्रद नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका सबसे अच्छा उपाय जो है और सबसे सस्ता भी वो शायद है, वो साबुन का यूज़ है। हर 1-1.5 घंटे पर साबुन का प्रयोग करें, एंड स्पेशली खाना खाते वक्त, खाना खाने के बाद या कुछ ऐसा काम करते वक्त जिसमें आपकी उंगलियों का प्रयोग हो सकता है या जिसमें और चीज़ों को लगने का है, साबुन से यदि हम फ्रिक्वेंट हाथ धोएंगे तो भी इसका प्रकोप कम होगा। इसके साथ साथ मैं लास्ट में आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने हमारे लोग हैं, होटल्स हैं, सिनेमा हॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उसमें भी मॉपिंग की बहुत बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और ये जन सहभागिता के बिना करना सरकार के लिए संभव नहीं होगा। फंड्स हैं, दवाएं हैं, बेड्स हैं, क्वारंटाइन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं, किंतु जन सहभागिता और क्लीनिनेस का जो एटीट्यूड मैंने बोला उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ साथ यदि कोई फॉरनर और वो 7-12 कंट्री जो नोटिफाई हुई हैं, उन कंट्री से यदि कोई लौट के आया हुआ है तो वो ऐच्छिक रूप से उसकी सूचना हमें दें, CMO साहब को दें, स्वास्थ्य को दें और जो भी व्यवस्था की जानी है वो हम करें। का जो भी प्रभावी कार्रवाई है उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ और महत्वपूर्ण स्तंभ जन सहभागिता है। लोगों को खुद प्रिकॉशन लेने होंगे और आपके माध्यम से मैं बार बार यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मैंने 3-4 बिंदु बोले, साबुन से हाथ धोना, वार्ता करते समय डिस्टेंस मेंटेन करना, भीड़ भाड़ के स्थानों पर ना जाना, कोई ऐसा मीटिंग पार्टी नहीं करना जिसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, ये सब किया जाना बहुत आवश्यक है। देखिए, कोरोना का चैलेंज के जरिए से मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 2 घंटे के हर बार हाथ धो लीजिए ताकि जो चीज़ जो छूते हैं वो कहीं मुंह में नाक में रखते हैं उसी से ये कोरोना फैलता है, उसी पे ध्यान देना होता है। दूसरा, जो इस समय में जो बाहर जाना और पार्टी में जाना, फंक्शन में जाना, थोड़ा अवॉइड कर लीजिए। और तीसरा है, खासतौर पे जो मान लीजिए कोई छूकता है, छिकता है, थूकता है, उन्हीं के आसपास ना जाएँ, थोड़ा दूरी बनाए रखें। बाकी ये कोरोना वायरस हम लोग पूरा सतर्कता से रोक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इस पर।